वो जो किया ठीक है, उसके दोनों के लोग जो के लोगों का एक आम राय है, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, हमको उसको कैसे अपने साथ लाना है, सबको मिलकर साथ लाना है, ये नहीं इधर से एक मिलकर उधर चला जा, फिर एक उधर चला जा, चार आदमी एक तरफ हो जा, दस आदमी एक तरफ हो जा, करो दर्शन कर लो, ये तरीका ठीक नहीं है। हम कुछ लिख रहे हैं, उधर से दो लोगों को उकसाओ, हम कहते नहीं उकसाया आपने, अगर कोई लिख रहा है तो आप उसको रोको, उसको बोलो कि आपकी क्या जरूरत है, जो लिख रहा है आप एडमिन पावर सीज कर दोगे, आप उसमें कुछ लिखने के लिए आप विनियम करने जा रहे हो, एक हफ्ते पहले आपने बंद करके रख दिया ग्रुप को, हम तो कुछ नहीं कोई लिख सकता, कौन कैसे आएगा, कौन सा रास्ता जाएगा, कहाँ रुकने की व्यवस्था है, कहाँ खाने की व्यवस्था है, ये तरीका नहीं है फेडरेशन चलाने का, कतई नहीं है। अगर होगा तो मैं इसमें जवाब चाहूंगा अपने त्यागी साहब का, हमको इनसे बड़ी शिकायत है, हम शिकायत उसी से करते हैं जिससे आदर करते हैं, आपके लिए बहुत आदर भी है और बहुत शिकायत भी है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं बैठे जिनका हम आदर करते हैं, सबका आदर करते हैं, तो सबसे शिकायत है, शिकायत इसलिए है कि आप लोग त्वरित निर्णय नहीं लेते हैं, आप बहुत इंतजार करते हैं, जब खून खराबा हो जाता है, जब पोस्टमार्टम और वहां FIR तब आप लोग आते हैं, तब ये ठीक ठीक नहीं है, हम तो कई बार कह देते हैं, हमने बड़े गलत शब्दों का प्रयोग किया है, कई बार जानबूझ के किया है कि त्यागी साहब हमको डांटो, फोन करो क्या हमें क्यों कह दिया, लेकिन आप बर्बाद भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं, नुकसान बहुत होता है इससे, हम वो नुकसान भरपाई कौन करेगा, हम सबको भरपाई करना पड़ेगा, और भरपाई का तरीका यह है कि हम कुछ भी पाने वाले नहीं, हम डायलूट होते जा रहे हैं, हम डायलूट होते जा रहे हैं, कमियां किसमें नहीं है, पी के मीना जी बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं, लेकिन पी के मीना जी बिना बताए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का रेलवे मिनिस्ट्री का चक्कर लगा आते हैं, उनकी अच्छाई भी है, उसको भी लेके हमको चलना पड़ेगा, और ये सारी चीजें हम किससे कहें, कब कहें, कैसे कहें, ये क्या तरीका है क्या, इसमें हमारे वो जूनियर साथी आए हुए हैं जिनको बड़ा उम्मीद होगा, आज फेडरेशन की BGM देखिए कितने कितने विद्वान लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अचीवमेंट है, ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारे अंदर कड़वाहट वाली भरी हुई है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप, अरे भाई हम कोई नरावने साथ नहीं है जो अभी रिटायर हो गए, हम जो है यहाँ पे जो जनरल शब्द लगा है वो जनरल शब्द वो ब्रिगेडियर वाला नहीं है, ये सेवा करने के लिए जनरल शब्द लगा, वो जनरल सिंपल सिंपल आदमी बन के अगर इस पर मंच पर बैठना है तो बैठिए, अगर वो आप ब्रिगेडियर वाला जनरल समझ रहे हैं तो कोई ना बैठे, बड़ी बातें हैं, बड़े कड़वाहटे हैं, बड़े सब, मैंने पहले ही कहा हम पागल नहीं है भैया, माथा खराब है, और माथा किसी का भी खराब हो जाए, माथा उसी का खराब होगा जो अपना खून और पसीना लगाता है। डियर फ्रेंड्स, साउथ के हमारे इंजीनियर, आपके यहाँ ट्रेड यूनियन उस तरह से नहीं है, यहाँ पे नाथन में आप नौकरी करके नहीं दिखा सकते, हम भी मुंबई में नौकरी करते थे, हमने भी 10 साल मुंबई मार्केट उत्सव में नौकरी किया, जब मैं ट्रांसफर ले रहा था ना तो हमारे डिप्टी सी साहब ने कहा था खंडवा तक ठीक है, खंडवा के आगे मत जाना, बहुत मानते हैं लोग उधर, हकीकत है, लेकिन हमने कहा हम भी वहीं गए हैं, मानेंगे हम भी देखेंगे, वो मानेंगे हम भी मानेंगे, अब होता है दो दो मुकदमे में लड़ रहे हैं, वर्कशॉप के घर के अगल बगल के नहीं, लेकिन हमारा डिप्टी सीएम भी कहता है कि ये लोग जहां से खड़े होते हैं, ये लोग नॉट मी, ये लोग जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, दोनों दुनिया में कुछ नहीं कर सकती है, अगर वो कुछ करते हैं हम खड़े होते हैं तो फिर वो पीछे खड़े होते हैं, सामने नहीं खड़े होते हैं। मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे तरीके का अचीवमेंट है, हमारे साथी आए हुए पूछिए, नहीं पहचानते, कई साथी हमारे जूनियर पहचानते नहीं, आजकल कोई नमस्ते नहीं कर रहा, एक फैशन था, हम सीनियर को देखते थे सर नमस्ते बोलते, आज हमारा छोटा भाई नमस्ते नहीं बोलता, वो करके चलता है, तुम डिप्लोमा हो, मैं तो BTech एमटेक करके आया हूँ, ठीक है, लेकिन जिस दिन माइंड हैंडलिंग हो जाती है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसको सबसे पहले आपके एसोसिएशन के लोग याद आते हैं, सबसे पहले कार्य हम लोगों को आती है, और सबसे पहले हम लोग जाकर वहाँ खड़ा होते हैं, थाना अस्पताल और प्रशासन को झुका के छोड़ते हैं, सारा काम करते हैं। अभी हमारे इंजीनियर JK शर्मा जी मुरादाबाद से कैसे वहाँ पे हैं, मतलब
होता है ना, एक कहावत है पत्ती दांतों के बीच में एक जीव। हम बड़े बड़े नेताओं से हमारी भी मुलाकात होती है, फेडरेशन में हमारे भी लोग जाने वाले हैं, हम भी लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो हमने कई लोगों से पूछा, हमने बोला एक जेके शर्मा जी हैं, बोला वो जितेंद्र जी ना, बोला हाँ, अरे लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनती है, बहुत बढ़िया है। तो ये उस तरह से वहाँ रहते हैं, अपना उदाहरण पेश किया, ऐसे नहीं हो गया। हम यही चाहते हैं कि अगर किसी को जनरल बनने का बहुत शौक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हमको कोई उसमें जो है दावेदारी करने का शौक नहीं है। हमने कहा हम पेशेवर लोग पेशेवर तरीके से जब तक नहीं लड़ेंगे। आप कहते हो ना वो रिटायर्ड आदमी, वो रिटायर्ड आदमी, वो रिटायर्ड आदमी, वो रिटायर्ड आदमी ने हम लोगों को पानी भर के रख दिया। कितने चेंजेस कराए, अप्रेंटिस की भर्ती में उसने अपने मन माफी रिपोर्ट लगवा ली कि नहीं लगवा ली, आप देख लो उसने। अभी हम जब जेई में आते थे 5 साल, कंफर्मेशन के बाद जब 5 साल हो जाएगा तब हम क्लास 2 के लिए फॉर्म भर सकते थे। आज की स्थिति क्या है, एमसीएम भी क्लास 2 के लिए एग्जाम दे सकता है, ये कौन निकलवाया, वो रिटायर्ड लोगों ने निकलवा लिया। तो जब रिटायर्ड का मुकाबला, हमारे पास एक रिटायर्ड 2 साल के लिए हमने मांगा, हमने मायने नहीं, आई एंड माई मैंने बहुत क्लियरली लिखा, हम लोग आई एंड माई पर विश्वास नहीं करते। वी सब हम तो अब तो 32-33 साल की नौकरी हो गई, 1990 से नौकरी हम भी कर रहे हैं। जब हम किस ऑर्गेनाइजेशन में गए वहां यही बताया गया, आई शब्द लगाने ही नहीं, वी ये टीम है, टीम के रूप में काम करना। और हम टीम के हमने कहा एक आदमी 2 साल के लिए रखो, उससे नोटिस दो। अभी स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने 1 दिन 30 अप्रैल की मास कैजुअल लीव का नोटिस दिया था, रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला कि देखो भाई कोई रेल ट्रेन बंद ना हो जाए, हम कब करेंगे। लखनऊ में डीजीएम करने का मेरा न्योता, मेरा इनविटेशन केवल सिंपल ये था कि आप 1 दिन की नोटिस दो, 1 दिन हम जंतर मंतर पे कहीं भी जहां पे दिल्ली में जगह हमको दिया गया होगा हम धरना करेंगे, 5 आदमी आएंगे। नोटिस तो एक ही पेज का जाता है ना, 500 आओ चाहे 5 आदमी आओ, रेलवे बोर्ड के कान में उंगली तो करेंगे कि हम हैं, हम हमको तकलीफ है, हमारी समस्याओं को हल करो। लोगों ने बोला मैं नहीं अभी कर सकता, मैं नहीं, अरे भाई मैं नहीं कर सकता, हम मिलकर करेंगे। आप दिल्ली में करो, आप पीडीएम कर रहे हो, 100 आदमी इकट्ठा नहीं है, कारण है हम एक तो टाइम का ध्यान नहीं रखे, बहुत जल्दी में यहाँ पता नहीं कौन सा वजीफा कोई लिए जा रहा है, शादियां हैं, कई मित्र हैं जो नहीं आ पाए, हमने हमारे साथी ने हम तो ग्रुप में है ही नहीं। अभी हमसे त्यागी साहब बोले तुम्हारे 100 आदमी कहाँ है, हमने साहब एक दिन हम 100 आदमी लाते तो आप कहते तुम अराजकता फैलाना चाहते हो यहाँ, हमको उसका भी ध्यान रखना है। मेरे पर बहुत सारे ठप्पे हैं, मैं उन ठप्पों का अपने पर बहुत ठप्पे नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपको मैं कहता हूँ आप जंतर मंतर को बुलाओ, 500 से 499 हो जाएगा मेरे तरफ से, मेरे सॉरी नाथन के तरफ से 500 आदमी मित्र रहेंगे, धरना प्रदर्शन जो करना करो, बाकी इंडिया से तुम 500 इकट्ठा कर लो, करो भाई ना खाए। तो हमको लड़ने के लिए अपने तरीके बदलने होंगे, और अगर हम तरीके नहीं बदलेंगे तो हम तो लोग बदल देंगे, कोई किसी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, हम सब ने पूरी सीसी ने बहुत बर्दाश्त किया, रात में आप सीसी नहीं होने दिए, आपने पहले सीसी का नोटिस ही नहीं निकाले लास्ट तक, आज लोग क्यों कम आए, लोगों ने कहा कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल में एका नहीं है, यूनिटी नहीं है, एक आधा खाली बीजेम करेंगे दूसरा नोटिस निकाल देता है कि हम सीसी भी करेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, ना उधर रहेंगे ना हम इधर रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे। आज उसका नतीजा है क्या, 70 लोग आए यहाँ पे, वो भी एक कारण है उसमें। हम किससे कहेंगे ये जनरल बॉडी बैठी हुई, आपसे जनरल बॉडी में भाई सब जोर के ऑफिसियर हैं, कितने कितने लोग लेके आए देख लीजिए, सारे डिविजनल ऑफिसियर भी नहीं आए हैं, सिंपल मेंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम क्या इस तरह से चला रहे हैं फेडरेशन, कब तक चलाएंगे, चलाते रहिए। हमने संजीव साहब से भी बात किया, हमारे कई साथी नाथन के कहते हैं संजीव कुमार बोला हम तो नहीं रहेंगे साथ में, हमने संजीव कुमार जी से भी बात किया 45 मिनट बाद, उन्होंने बोला तुम मुझे फोन करेगा मुझे विश्वास नहीं था, हमले तुम नहीं है, ये तुम नहीं है, ये इंजीनियर की आवाज है जो आपको फोन किया है, जो लोग हमसे 10 लोग कह रहे थे कि आप फोन करो बात करो उनको बुलाओ,
भले तुम नहीं है, कैलाश यादव ने नहीं आपको फोन किया, बोला सारे यार मुझे तो पता भी नहीं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं कि आपका वीडियो होने जा रहा है। बोला मैं 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता था, 2.5 साल से नौकरी करने नहीं गया हूँ और अभी 6 लाख रुपए तनख्वाह बांटता हूँ, 75 लोग मेरे पास काम करते हैं, अब मैं उतना ही मेहनत में इतना आंकड़ा खड़ा कर लिया, मैं फिर से क्यों जाऊँ वहां गाली खाने आप लोगों का, बेइज्जत होने क्यों जाऊँ। मित्र साथियों, मैं ये कहूंगा कि कोई दूध का धूला नहीं है, कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, हमको इसी में से परफेक्ट को चुनना है, परफेक्ट से परफेक्ट को आगे लाना है। हमारे त्यागी साहब का ये है मैसेज है, हमसे नहीं कहा उन्होंने, हम तो जल्दी कुछ करते भी नहीं, उनको मालूम है कि मैं कहूँगा तो मना भी नहीं करेगा, लेकिन जल्दी नहीं करते। उनका यह है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति से काम करो, आपस में कोई बाइफरकेशन नहीं होना चाहिए, यूनिटी बना के रहो, कम से कम 70 को 17 पे मत लाओ, 7 पे मत लाओ, इसको आगे बढ़ाओ, 700 पे ले जाओ, ये हमारे अपने का मैसेज है। वर्मा जी है, वर्मा जी बहुत तूफानी है, एकदम हमारे मिसाइल है, एकदम हम लोग चाह रहे थे कि 2 साल और काम करते हमारे लिए, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए नहीं, लोग समझ रहे कि मैं बने रहना चाहता हूँ, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कई बार कर लिए बड़ी शांति से काम करें, हम लोग को बड़ा गुस्सा आया कि आप कर क्या रहे हो, आप प्रेसिडेंट हो, अपने पावर का प्रयोग करो, बोलेंगे लोग बोलेंगे मेरी रुचि है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप लोग शांति बनाए रखो, त्यागी जी आते हैं बात करते हैं, राजकुमार साहब आते हैं बात करते हैं, सबसे मिल के बात करेंगे और कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, ऐसा बोला उन्होंने, तो तरीका निकालिए। हम कहते ही किसी से घृणा नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमको कमजोर करेगा, हमारे फेडरेशन को कमजोर करेगा, हमारी यूनिट को कमजोर करेगा। साथियों, टाइम कम है, बातें बहुत हैं, इलेक्शन भी होना है, तो मैं अगर अपनी बात समाप्त करूं, मैं नारे लगाऊंगा, इंजीनियर यूनिटी।